क्या ये सारा वेस्ट खाना बनाने के काम आ सकता है? वेल, सुनने में एक जोक जैसा लगता है, बट एक्चुअली ये पॉसिबल है। लेट्स सी हाउ। हम सुबह से लेकर रात तक काफी वेस्ट जनरेट करते हैं और ये सारा वेस्ट कलेक्ट होता जा रहा है, जो आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं दूसरी तरफ फ्यूल जनरेशन में एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों ही होता है, और इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ग्रो डीजल। नमस्ते, मेरा नाम श्री सक्सेना है और मैं ग्रो डीजल का क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। ग्रो डीजल की जर्नी मेरे डैड ने 2001 में शुरू की, जब लंदन की एक कॉन्फ्रेंस में उन्हें बायोफ्यूल के बारे में पता चला, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ही कुछ इंडिया में क्यों ना शुरू किया जाए। जो गैस ऑर्गेनिक मैटर से बनाई जाए उसे बायोगैस कहते हैं। वैसे तो इसको बनाने के कई तरीके हैं, बट अतुल जी ने कुछ नेक्स्ट लेवल ही सोचा। हमें बायोफ्यूल बनाने के लिए कुछ ऐसा सोर्स चाहिए था जो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल भी हो और जिससे वेस्ट भी जनरेट ना हो। तो हमने सोचा क्यों ना वेस्ट को ही ना बायोफ्यूल का सोर्स बना लिया जाए। तो ग्रो डीजल ने वेस्ट टू बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वेस्ट से बायोफ्यूल बनाना इतना आसान नहीं था, बिकॉज बायो सीएनजी सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट से बनती है और ग्रीन क्रूड ऑयल प्लास्टिक वेस्ट से। और इंडिया में वेस्ट सेग्रीगेशन ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑर्गेनिक वेस्ट और रिसाइक्लेबल वेस्ट मिक्स होने जाने के कारण उसको सही से प्रोसेस नहीं किया जा सकता, इसलिए लैंडफिल रोज पे रोज बढ़े जा रहे हैं। बट जब कुछ करने की चाहो तो प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करते, उसे फेस करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, और यही किया अतुल जी ने। ऑर्गेनिक वेस्ट से कंप्रेस बायोगैस बनाई जा सकती है। सो इनिशियली हमने उन जगहों को टारगेट करा जहाँ पे हमारे पास मेजॉरिटी ऑर्गेनिक वेस्ट ही आता था, जैसे कि सब्जी मंडियां, फूड कैंटीन्स, गौशालाज और स्लॉटर हाउसेस। प्लास्टिक से ग्रीन क्रूड ऑयल बनाने के लिए हमने बहुत सारे कबाड़ी वालों से टाई अप करा जो हमें सेग्रीगेटेड प्लास्टिक लाके देते थे। अब वेस्ट तो सेग्रीगेटेड मिल गया, बट इससे बायोफ्यूल बनाना एकदम नई टेक्नोलॉजी थी, तो ये काफी चैलेंजिंग हो रहा था। 8 साल की फील्ड रिसर्च के बाद हमने फाइनली अपनी टेक्नोलॉजी बनाई और हमने पहला वेस्ट टू बायोफ्यूल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करा, और उन्होंने अपनी कंपनी को ग्रो डीजल के नाम से रजिस्टर किया और इस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट से डिस्कस किया। हमने दिल्ली की पुरानी मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के आगे एक प्रेजेंटेशन दी थी और उनको ये आइडिया काफी अच्छा लगा, और 20 अगस्त 2010 को उन्होंने ग्रो डीजल का वेस्ट टू बायोफ्यूल प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करा। अब बायोगैस तो बन गई, सो लेट्स सी इस बायोगैस को हम कहां यूज कर सकते हैं। ये बायोफ्यूल हम बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गाड़ी चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी। जो इनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक ग्रो डीजल ने 250,000 मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट को कन्वर्ट करके 20 मिलियन केजीज ऑफ बायोगैस बनाई है। हमने दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और महाराष्ट्र सरकार के लिए अन्य प्रोजेक्ट्स किए हैं। अब सोचिए, सारा वेस्ट अगर फ्यूल जनरेट करने के काम आ जाए तो लैंडफिल भी इंक्रीज नहीं होगा और हमें दूसरी कंट्री से फ्यूल खरीदना भी नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को बायोफ्यूल के बारे में पता चले। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी आइडिया है तो आप इस ईमेल आईडी पे शेयर करिएगा।